अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट एस एन चिश्ती और एक नई जड़ी बूटी की पहचान और इसके फ़ायदे के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको शंखा होली के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। शंखा होली दिमाग को तेज़ करती है, इसके अलावा असबी अमराज के ऊपर बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा मिर्गी के ऊपर भी इसका जो बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। तो आए नाज़रीन, आपको शंखा होली की पहचान करवाते हैं और साथ ही इसके जो है ना फ़ायदे के ऊपर रोशनी डालते हैं। ये है जनाब शंखा होली, रोड के किनारे से गुजरा था तो मुझे नज़र आया पौधा इसका, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा पौधा है। तो इसके जो है वो दो रंगों में इसके फूल थे, ज़्यादातर इसके जो फूल हैं ये दो रंगों में ही पाए जाते हैं। एक सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग का फूल होता है और दूसरा जो फूल है इसका वो हल्का सा गुलाबी रंग में होता है, मतलब लाइट सा पिंक कलर। इसको नाम के ऊपर इसकी जब हम बात करें तो इसको तिब्बी ज़बान में तो शंखा होली कहते हैं, शंखा होली जो है ना वो इसको गुजराती में बोला जाता है, गुजराती में इसको शंखोली के नाम से बोला जाता है, पंजाबी में इसको फोड़ ब्रंग और चिटी फली वाली भी कहते हैं, संस्कृत में इसको शंख पुष्पी और बंगाली में इसको डांड कुफी कहते हैं, लातिनी में इसको कैंसकोरा और डेक्सीटा के नाम से पुकारा जाता है। मफरूज बूटी ये नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल लेटी हुई है ज़मीन के ऊपर जो है ना, बिल्कुल तय बिछी हुई है, बिल्कुल तहदा तय लगी हुई है। और इसके अलावा इसको जो है कुछ जो है इसकी शाखें ज़मीन से ऊपर उठी हुई भी होती हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको। तो इसकी मतलब तमाम लेटी हुई नहीं होती, ये कुछ शाखें इसकी ज़मीन से ऊपर दरमियान से भी जो है ना वो दरमियान से सही जो है ना वो बिल्कुल खड़ी शाखें होती है। इसके अलावा अगर रंग इसके ऊपर बात करें तो रंग जो है पत्तों का सब रंग होता है, फूल सफ़ेद रंग के भी होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के भी होते हैं। जैका जो है ना इसका खरवा सा होता है, मिजाज जो है इसका गर्म तर है पहले दर्जे में। मकदार खुराक जो है इसकी, पानी इसका हम दो तोले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ जो है तीन माशा से पाँच माशा तक हम इसकी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मकाम प्रदेश जो है इसका, ये बूटी हिमालय से बर्मा तक सख्त कंकरीली और बंजर ज़मीन पर मौसम बरसात में मिलती है, लेकिन ये बूटी जो है ये मुझे बहार में मिली है, बरसात में मतलब मिलती है लेकिन मुझे ये बहार में मिली है, बहार में भी ये उगती है। इसके अलावा अगर फ़ायदे इसके ऊपर फ़ायदों के ऊपर बात करें तो माशाल्लाह जो है ना बेशुमार फ़ायद की मालिक है। दिमाग के लिए इस तरह समझे कि जैसे ये बूटी खा ली आपने बादाम खा ली, बादाम के बराबर है, क्योंकि इसके अंदर जो नमकियात है ना, इसके अंदर इतने नमकियात अल्लाह पाक ने रख दिए हैं कि वो बिल्कुल वही असर जो है ना वो दिमाग को सही, असाब भी तकवीत में रहते हैं और दिमाग भी ताकत में रहता है। फ़ायदे इसके जो हैं मुलैन है, मुकवी असाब है। मुलैन मतलब पेट साफ़ करती है, पेट को नरम रखती है, मुकवी असाब है, असाब को ये ताकत बख्शती है। पंजाब के देहात में इसका साग जो है बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है, इसको ज़्यादातर असबी अमराज मिर्गी और जुनून में इस्तेमाल करते हैं। मिर्गी का आपको सबको पता होगा दौरे होते हैं, मतलब मिर्गी के बंदा गिर जाता है दिमाग में, मतलब रूह जब मुकम्मल तौर पे खून में दौड़ नहीं सकती, उसकी में रुकावट शुदा आ जाता है दिमाग के अंदर, शरियानों के अंदर, तो उस वक्त मिर्गी का दौरा जो है ना वो पड़ता है। जुनून जो है गुस्सा, दीवानगी और मतलब ज़्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, उसके लिए इसका जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। चक्रवत में जो है ना वो लिखा है कि इसका जो है ना एक छोटा सा नुस्खा लिखा है कि इसका रस ले लें जनाब, तकरीबन पाँच तोला तक इसका रस ले लें और पाँच तोला शहद और दो तोला कुठ कुस्त शीरी जो है ये मिलाकर अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो ये हर किस्म के खलल दिमागी के लिए जो है ना ये अक्सीर का हुक्म रखती है, मतलब किसी किस्म का दिमागी मसला हो उसके लिए ये बेहतरीन काम करती है। तकवीत हाफजा के लिए सालम पौधा जो है इसका फूल और जड़ इसका सफूफ जो है ना वो खिलाते हैं, जरियान और जोफ़े बाग में इसकी जड़ का पोस्ट जो है मुस्तमिल है। शंखा होली की राख में जो चीज़ें पाई जाती हैं अभी वो सुन लें और जो है ना वो माशाल्लाह कहे बगैर जो है ना आप रह नहीं सकेंगे। इसमें फुलाद भी पाए जाते हैं, पोटासियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, नाइट्रेट और कार्बोनेट के नमकियात इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं जाग की बदौलत ये बादामों के बराबर बाप जो है ना वो काम करती है। इसी के साथ नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए करम लाजमी हौसला अफजाई किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें।